तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब भी मजे में होंगे। तो मजे के साथ साथ आज हमारे पास एक नया गैजेट आया है जो कि है ये नोवा कंपनी का। तो इस गैजेट्स के अंदर क्या खास बात रहने वाली है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, सर्दियों का सीजन आ गया है और बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, बड़ों के भी स्वेटर वगैरह निकल गए होंगे, कई सारी चीजें कोट वगैरह भी निकल गए होंगे। तो आज की वीडियो में उसी के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि उनके ऊपर जब हम पिछले साल का हमने रखते हैं तो थोड़ा बहुत उसके ऊपर रुआ हो जाता है। अब चाहे वो बच्चों का कोट हो या बड़ों का हो या स्वेटर हो या एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे आज जो ये गैजेट्स देख रहे हैं, ये वाला गैजेट्स, ये आज इसी काम आपके आने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे पास एक ये कोट है जिसपे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं, और एक ये मेरे पास न्यू नोवा की एक मशीन है जो कि हमें ये रुआ जो है इसका साफ करके दिखाने वाली है। मॉडल नंबर वाली बात करें तो इसका NLR 208 मॉडल करके ये आपको मिलने वाली है। प्राइसिंग वाली बात है तो मैं वीडियो में मेंशन करूंगा इसका प्राइस क्या है। ऑफलाइन मार्केट से मैंने परचेस किया है, ऑनलाइन से नहीं परचेस किया। सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या चीजें निकलती है वो देखेंगे, और इसका जो रिजल्ट है वो देखेंगे, क्या ये काम करती भी है नहीं, क्या ये आपके लेने लायक है या नहीं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर रिव्यू में करने वाले हैं इसका। तो सबसे पहले अगर इस गैजेट्स की बात करें तो इस टाइप से भाई ये निकल गया, इसके अंदर बॉक्स पूरा खाली हो चुका है और हमारा गैजेट जो है कुछ इस टाइप का दिखता है। नो डाउट भाई, अगर गैजेट्स की बात करें तो बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, कलर कॉम्बिनेशन वाली बात है तो अच्छा लग रहा है बिल्कुल। इसके बाद जैसे ही मैंने अपना गैजेट्स बाहर निकाला तो एक बार फिर देख लो आप किस टाइप का ये आपको दिखने वाला है। चारों साइड से आप देख सकते हो, फीचर में आपको सारे के सारे फीचर इसमें बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये आप छोटा सा देख रहे होंगे, ये एक छोटा सा मिला है मुझे, एक इसके साथ ये ब्रश मिला है, ब्रश इसको क्लीन करने के काम आने वाला है। बाकी इसकी अगर इनपुट की बात करें, सबसे पहले इसके फीचर में अगर फीचर वाली बात करें तो इसके इनपुट की बात करें तो ये 250 वोल्ट इसको डायरेक्ट दे देंगे। इसके अंदर वो नहीं है कि 110 वगैरह का कोई अडाप्टर वगैरह लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, 220 से डायरेक्ट चलता है। इधर की अगर हम बात करें तो इधर इन्होंने एक ऑन ऑफ स्विच दिया, यहां पर इससे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी ब्रांडिंग नहीं है ऑन ऑफ की लिखी हुई। बाकी इसके बाद अगर हम इसकी फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए इन्होंने ये कवर लगा के दिया हुआ था, ये सेफ्टी कवर इन्होंने यहाँ पर एक लगा कर दिया हुआ था, सेफ्टी कवर हमने हटा दिया है। उसके बाद मशीन कुछ इस टाइप की दिखती है। इसके बाद अगर हम इधर की बात करें तो यार ये भी है ना, ये इस टाइप से होता है, मतलब घूमता है। जैसे हम इसको घुमाते हैं तो ये थोड़ा बाहर आता है, और जैसे हम इसको टाइट करते हैं तो ये थोड़ा अंदर जाता है। तो मेरे हिसाब से जो इसके अंदर वाले ब्लेड है उसके एडजस्टमेंट के लिए दिया है, और उसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब आप इसको चलाएंगे तो यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया है, वो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और अगर बिल्ड क्वालिटी वाली बात करें तो भाई नो डाउट बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है इसकी। तो मैं टाइम को शॉर्ट करते हुए फटाफट से इसको चला लेता हूँ। तो भाई नीचे मैंने इसके अंदर लगा दिया, इस प्लग है, मैंने इसको सॉकेट के अंदर लगा दिया। नीचे से मैं अपना स्विच ऑन करूंगा, ये रहा स्विच ऑन करते ही यहाँ पर एक इंडिकेटर आ जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, यहाँ पर ये रहा, ये जो रेड कलर का इंडिकेटर है ये इसके अंदर आ गया है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, मतलब इसको यूज करने से पहले, ये जो इसके अंदर दिया गया है ना, यहाँ पर एक जगह दी गई है, एक कंपार्टमेंट बनाया गया जिसमें कि हमारा जो भी रुआ होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, बॉक्सेस के अंदर, ये नहीं चारों तरफ फैल जाएगा, इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। इसको डस्टबिन में हम इजीली फेंक सकते हैं। तो रिजल्ट वाली बात है तो चलिए अब कैमरा हम नजदीक करके सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़े से रुएं दिखा देता हूं। रुएं दिखाने के बाद ये काम करता ही नहीं करता वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस अगर वीडियो के स्टार्टिंग वाली बात है तो सबसे पहले भाई इधर देखो कितने बड़े बड़े इसके अंदर आपको रुएं दिख रहे होंगे। ये ही नहीं, ये इसके अलावा भी आपको यहां पर भी ये काफी सारे रुएं यहां पर भी दिख रहे होंगे, ये रहे। और कॉलर की बात करें तो देखो भाई कॉलर के ऊपर भी ये काफी सारे यहां पर आपको रुएं दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां वाले जो रुएं ना ये सारे के सारे मैं रुएं हटाने वाला हूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी जो एडजस्टमेंट है ना इसको हमने पूरा इधर कर लिया है, मतलब एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमा लिया है। उसके बाद यहां पर इकट्ठे होते हैं या नहीं होते वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने इसका ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद लो भाई ये देखो लो, यहां पे अभी रुएं थे कहां गए, वो रुएं गायब हो गए। इसके बाद यहां थोड़ी सी और वाली बात है, लो यहां पे भी लो भाई रुएं गायब। मैंने अभी आपको बोला था यहां पर रुएं वाली बात है, तो ये देखो भाई रुएं यहां के भी गायब। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि कॉलर पे तो चलो मैं दिखाऊंगा, कॉलर से पहले मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि कितने सारे रुएं वो भी दिखाता हूँ। ये देखो ये गए रुएं, और इसके बाद अगर इधर भी होंगे बाजू पे तो वो भी देखते, बाजू पे तो नहीं है भाई। यार रुएं, अब भाई रुएं वाली बात है तो इधर देखो रुओं की भरमार है, यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस मशीन से मैं लूंगा इन रुओं को, मैं ऐसे करके फेरूंगा, ये देखो ये रे, इस मशीन से मैं लूंगा ऐसे फेरा। इसके बाद क्या इसको अगर हम
क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। चलो थोड़ा सा घुमाकर देख लेते हैं और अब वापस आ जाते हैं अपने कॉलर के ऊपर। तो भाई अगर कॉलर वाली बात कहें तो यहां पर आपको पूरे के पूरे रुए दिख रहे होंगे। ये जो रुए ये किस तरह से हट सकते हैं, ये देखो भाई यहाँ के रुएं हट गए। एक जगह और दिखा रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं आपको इसका बताऊंगा काम करता है या नहीं करता, वो मैं आपको बताऊंगा। इसको मैंने इस तरह से यहाँ रख लिया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितने सारे आपको दिख रहे होंगे। तो इसको फटाफट से भाई हो गया है ना, रुए तो हटा दिया इसने। तो भाई इसी तरह से मैंने इसको जैसे सारे कोट पे फेर दिया और मेरा कोट जैसे पहले नया होता है उसी तरह से ये दोबारा से एक बारी फिर नया हो गया है। ये देखो एक बारी ये फिर दोबारा से नया हो गया है। तो गाइस अगर कोट वाली बात है ये, तो ये पूरा का पूरा कोट जितने इसके ऊपर रुए थे हटा दिए और बाकी वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं इसको दोबारा से नया कर लूंगा। अब ये काम करता है या नहीं करता उसका रिजल्ट आने वाला है इस बॉक्स के अंदर। चलिए मैं इस बॉक्स के जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई अगर बॉक्स वाली बात है, ये खाली बॉक्स है, इसके अंदर ये मैंने जो मैंने बोला था वो है और ये इसके अंदर काम करते ही नहीं करते वो आपके सामने। देखो भाई इतने सारे रुए ये आपको दिख रहे होंगे, इतने सारे रुए ये हट चुके हैं जो कि आपके सामने। भाई ये वर्थित है ये। अगर आप इसको परचेस करना चाह रहे हैं तो इसको जरूर परचेस करें। ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेस कराई है, मैंने 250 का परचेस कराया। ऑनलाइन का जो प्राइस आ रहा है वो आप साइड में देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन का इस टाइम पे क्या प्राइस आ रहा है, बाकी मैंने ऑफलाइन से परचेस कराया। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप बाय करना चाहते हैं तो इसको बाय भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ नया टॉपिक ढूंढ के नई वीडियो के साथ जल्द से जल्द वापस लौटेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।